हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे मूल्यांकन कार्य पत्रक 2 क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। विषय गणित रहेगा और ये वर्कशीट आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी 20 मार्क्स का ये एग्जाम है और इसमें आपके जो है 10 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 8 से 12 जो कार्य पत्रक है उनके ऊपर आधारित जो है ये असेसमेंट आपकी ली जा रही है। देखिए, एक्स व्यक्तियों का एक समूह में प्रत्येक को अपना मनपसंद फल चुनने को कहा गया। तो समूह कितने का है? एक्स का। उसमें प्रत्येक को अपना मनपसंद फल जो है वो चुनने को कहा गया, जिसमें से 1/4 ने कीवी चुना, 1/3 ने केला और 2/5 ने संतरा चुना और 3 व्यक्तियों ने क्या चुना? 3 व्यक्तियों ने अंगूर को चुना। ठीक है, अब देखिये यहाँ पे अब आपको दिया गया है कि 1/4 ने क्या उठाया? 1/4 ने कीवी को उठाया। अब आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, इसमें देखिए उपरोक्त स्थिति पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से 4 के आपको यहाँ पर उत्तर देनी है। तो आपको यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, कितने लोगों ने कीवी को चुना? तो कीवी कितने लोगों ने उठाई है? 1/4। ठीक है, एक्स के रूप में लिखनी है। कुल कितने व्यक्ति थे? एक्स थे। अब आपको यहाँ पर लिखना है तो टोटल एक्स थे, तो इसको लिख देंगे एक्स इंटू टोटल कितने थे? 1/4 है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x/4। ठीक है, x/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, कितने लोगों ने संतरा चुना? तो संतरा कितने लोगों ने उठाया है? 2/5 ने जो है संतरा उठाया है। क्लियर है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2/5 है तो एक्स इंटू 2/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2x/5 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित है, थर्ड क्वेश्चन है, उपरोक्त स्थिति को एक समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इसको समीकरण हम कैसे बनाएंगे? इसको समीकरण बनाने के लिए देखिए आपको अलग अलग जितना भी यहाँ पे दिया गया है सबको आपको एक साथ लिखना है, उस तरह से हम इसको समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, 1/4 ने क्या उठाया है? कीवी को उठाया है। तो 1/4 ने कीवी को उठाया तो कितना हो गया? x/4 प्लस, उसके बाद देखिए 1/3 ने केला उठाया, तो 1/3 ने केला उठाया तो क्या हो जाएगा? x/3। ठीक है, उसके बाद 3 व्यक्तियों ने क्या लिया है? 3 व्यक्तियों ने अंगूर को लिया है और 2/5 ने संतरा उठाया, तो ये भी हमने किया 2x/5 और 3 व्यक्तियों ने क्या लिया? अंगूर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा +3 और ये किसके बराबर होगा? ये सारा जो है 3/1 लिख सकते हैं और ये सारा x के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको इसको समीकरण के रूप में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, उपरोक्त समूह में कितने लोग हैं? तो कितने लोग हैं ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो है x का मान जो है यहाँ पर निकालना होगा। क्लियर है, तो आइए बेटा हम x का मान निकालेंगे। बच्चों यहाँ से आप इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ये समीकरण बना था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, 4 × 12, 12 × 5 = 60, तो ये 60 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो है यहाँ इससे भाग किया तो ये क्या आ गया, 4 को हम जो है 15 से गया तो 15 × 60, तो 15x/20 पे जाएगा, 20 × 60 तो क्या आ जाएगा, ठीक है 3 से 20 पे गया ना तो 20x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 24x आएगा, प्लस में 60 को 3 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है इस तरह से, तो हमारे पास जो है क्या आ गया, 60x बराबर है, ये हमने जोड़ दिए सारे एक्स एक्स वाले, एक जो चर वाले थे वो सारे जोड़ दिए हमने और उसके बाद 180 यहाँ पे आ गया। अब हमने जो 59x है इसको इधर लेके गए तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, 60 में से 59 गए कितना हो गया एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान यहाँ से आ गया 180। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त समूह में कितने लोग हैं, तो हमारा x की वैल्यू कितनी निकली, 180। तो बेटा आपको सॉल्व भी करना है ये, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा x की वैल्यू कैसे निकली। नंबर 5 देखिए, समीकरण 3x = 4 − x में जो माइनस एक्स है इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा कहाँ है, ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो हमें कौन सा समीकरण जो है वो प्राप्त होगा, तो बस हमें क्या दिखाना है, हमें यहाँ पर समीकरण जो है वो बदल के दिखा देना है। सो यहाँ से करेंगे तो हमने क्या किया, ये हमारे पास समीकरण दिया गया है, हमने जो एक्स है इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, इस तरफ ले आए, तो यहाँ पर हम ले आए,
ठीक है, और यहाँ पर जब हमने x का मान निकाला तो हमारे पास एक जो है इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, 11 की स्क्वेयर दिया गया है और 12 का वर्ग, 11 का वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 का वर्ग जो है ये क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 12 का वर्ग जब आप करोगे तो कितना होता है 144। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 144 में से आप जो है 121 घटाएंगे और साथ में आप एक भी घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 22। तो यही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये एक क्यों घटाया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 और 7 है, तो 4 और 7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 5 और 6, यानी दो ही संख्याएं होंगी ना, क्लियर है। और वैसे अगर 7 में से 4 आप घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा ना, तो वो जो है हम क्या करते हैं, इसीलिए हम एक जो है एक्स्ट्रा माइनस करते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि हमने एक जो है वो माइनस क्यों किया, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 22। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 7, यदि एक्स एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या कौन सी है, अपने उत्तर की पुष्टि भी आपको करनी है। सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, सम संख्या जो है वो क्या है, मान लीजिए सम संख्या हमारे पास x है, अब विषम संख्या हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम x प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि उससे अगली क्या होगी, उससे अगली हमारी विषम संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए, माना x जो है हमारे पास क्या है, 4 है जो हमारी सम संख्या है, अब 4 में हमने एक जोड़ दिया तो ये क्या हो गई, अगली जो है हमारी क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 जो है इसका जो है आंसर आ जाएगा। आंसर का मतलब क्या, हमने ये जस्टिफिकेशन किया है, क्लियर, ये हमने क्या किया है, जस्टिफिकेशन, तो आप लिख सकते हो जस्टिफिकेशन है, ये प्रूव किया है हमने मानकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कागज के आयताकार टुकड़े का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, तो कागज का जो है टुकड़ा कैसा है, आयताकार है, ठीक है, इसका परिमाप क्या है 13 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई जो दी गई है बच्चों वो है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो ये भी 2.5 होगी, तो आपको ये जो है आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। सो देखिए परिमाप का आपको फॉर्मूला दिया गया है 2l + b = 13, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2l + 2.5 हमें दिया गया है, चौड़ाई हमें दी गई है ना 2.5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 13 के, तो इस तरह से आपको जो है इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2l + 5 = 13, अब यहाँ पे 13 - 5 हो जाएगा और l का जो मान आएगा वो आपके पास 4 आ जाएगा, क्लियर है। तो यानी जो है लेंथ क्या हो जाएगी, दोनों तरफ इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, रिया और प्रिया की आयु का योग जो है 30 है और दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है, दोनों की आयु आपको यहाँ पर निकालनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जब इस तरह से अनुपात दिया जाए तो रिया और प्रिया की आयु का योग जो है वो 30 दे रखा है, समीकरण बना लेंगे, अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पे हम इसको जो है 2x मान लेंगे और इसको जो है हम 3x मान लेंगे, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको दिया गया है रिया प्रिया दोनों की जो एज है उसका जो योग है वो 30 है, ठीक है, तो इनका अनुपात दिया गया है 2:3 या 2:3 हम लिख सकते हैं। माना रिया की उम्र जो है वो 2x है, प्रिया की उम्र 3x है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने समीकरण बना लिया, ठीक है, इसको अभी आप बाद में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो समीकरण बनाने के बाद 2x + 3x कितना दिया गया है 30, 5x हो गया, 5x बराबर है 30, x बराबर है 30/5 और x क्या हो जाएगा 30/5, 5 6 30 ये कट जाएगा ना, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा x का मान आ गया 6, यानी रिया की उम्र कितनी आ गई, 2 को 6 से गुणा करो 12 साल आ गई, ठीक है, और प्रिया की उम्र जो है 6 18 साल आ जाएगी, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, x के लिए हल कीजिए, तो ये समीकरण आपको दिया गया है और इसको हल जो है आपको करना है, सो यहाँ से हम हल करेंगे, ये दिया गया है x - 3/x + 1 = 1:1/2, ठीक है, 1 से 1/2। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने कर लिया, 2 को 1 से गुणा करिए, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया 3/2, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से एक दूसरे से हम तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे को हमने 2 से गुणा करना है और इस पूरे को हमने 3 से गुणा करना है, तो इसको करेंगे 2x - 3 × 6 = 3x + 3 आ जाएगा, 2x - 3x हो जाएगा, ये 3x हम इधर लेकर चले गए तो ये माइनस का हो जाएगा और 3 और 6 को हम इधर लेकर आए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x में से जो है 3x में से 2x घटाओगे तो x बचा लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का हमारे यहाँ पे ज्यादा है,
तो माइनस का एक्स बराबर है नो, ये आ गया, तो एक्स की वेक्स का मान यहाँ पे कितना आ गया, माइनस नो जो है यहाँ पे एक्स का मान आ जाएगा। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।